प्रदेश में ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे क्लास 5 के स्टूडेंट्स अभी तक कोको को तो पहचानता नहीं है। मैंने खुद देखा है इसको, अगर टीचर्स को भी अगर रेगुलर। कुछ अगर उपाय हो सकता है तो अगर उसको भी देख देने से ठीक था। अब अरुणाचल प्रदेश में और खास करके स्कूल इसलिए सफर हो रहा है क्योंकि हमारा हर गांव में, हमारा अभी देहाती इलाका में अभी मेन सफर इसलिए होता है कि टीचर्स को पोस्टिंग अगर कर देते हैं तो रहते नहीं है, क्योंकि दिस टीचर्स आर आल्सो आपका रोल ह्यूमन बीइंग, उनको भी रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, कम से कम एक कंफर्टेबल एक रूम होना चाहिए, घर होना चाहिए, एक घर बोलने का लाइक एक कुछ क्वार्टर होना चाहिए। तो वो नहीं होने का वजह से क्या हो रहा है कि टीचर्स लोग पोस्टिंग करने का बावजूद भी ये लोग वहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स पे जाते नहीं है। तो इसीलिए मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम हमारे जो टीचर्स के लिए कम से कम 4-5 क्वार्टर्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम साल में अगर देते तो कम से कम हम अच्छा सा घर बना देते टीचर्स को, तो डेफिनेटली दैट वुड बूस्ट एजुकेशन इन द रूरल एरियाज आल्सो। देन सेकेंडली हमारा स्टिल बिकॉज आवर स्कूल्स आर बेसिकली सफरिंग ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, वी स्टिल हैव हमारा 1000 टीचर्स अभी भी उसका पोस्ट वैकेंस है। तो वो शायद कुछ इश्यूज को लेकर, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू को लेकर के शायद ये समय लेगा, लेकिन तब तक हमारा जो मेन इंटरिम अरेंजमेंट के तौर पे अगर हमारा कम से कम गैप फंडिंग अगर देता कम से कम उसके लिए, उसको भरपाई करने के लिए, ताकि हमारा जो वैकेंसी है उसको ये करने के लिए जब तक हमारा जो रेगुलर जो टीचर्स जो अपॉइंटमेंट नहीं होगा तब तक के लिए कम से कम एक इंटरिम अरेंजमेंट गैप फंडिंग के रूप पे, अगर ज़्यादा कितना जाएगा कम से कम 10-20 crore जैसे जाएगा मेरे ख्याल से, अगर वो दे देता तो हमारा स्कूल जो अभी जो डिफंक कुछ जगह जो लिंपिंग कर रहा है, एटलीस्ट जो लिंपिंग कर रहा है उस स्कूल को एक अपना जो अच्छा वो पे हम रेस्टोर कर सकते हैं। सो दैट आई बिलीव शुड बी टेकन इनटू अकाउंट ऑल्सो। एंड ऑल्सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम अस दैट अराउंड 400 टीचर्स वुड बी SSC टीचर्स वुड बी रेगुलराइज्ड एवरी ईयर। तो अभी लास्ट टाइम कोविड होने की वजह से उसमें हम रेगुलराइज कर नहीं पाए हैं, तो इसीलिए जो बैकलॉग हो गया है, तो वो बैकलॉग होने की वजह से अभी बहुत जो भी SSC टीचर्स को रेगुलर नहीं कर पाया है, और कई बार इन लोगों ने अप्रोच भी किया है और जब देखा जाए तो इनका प्रॉब्लम्स बहुत जेन्युइन है। तो मुझे लगता है कि जो बैकलॉग हुआ है उसको कैसे फिल कैसे ये कर सकते हैं, क्या करने से ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट था तो उस कमिटमेंट को भी कम से कम फुलफिल कर देने का अगर कोशिश कुछ अगर होता होने से बहुत अच्छा रहता है। तो वी आई थिंक अराउंड 800 मोर अगर टीचर्स को भी अगर रेगुलराइज करने का कुछ अगर उपाय हो सकता है तो अगर उसको भी देख देने से ठीक था। तो ये मेरा खास करके ये सुझाव इसलिए था क्योंकि मैंने देखा कि अभी भी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे क्लास 5 के स्टूडेंट्स अभी तक कोको को तो पहचानता नहीं है। मैंने खुद देखा है इसको, ये वाला सिचुएशन भी है कुछ कुछ जगह में, मैं नहीं बोल रहा ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस प्रकार का स्कूल अभी भी है, स्टूडेंट्स अभी भी है, तो कभी कभार ये सब देख करके भयभीत कर देता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हम एक होलिस्टिक वे में अगर हम सारा एजुकेशन सिस्टम को ही एक बार रिलुक अगर किया जाए, एक बार रिव्यू अगर किया जाए तो बहुत सही रहेगा, और जो भी स्कीम्स वगैरह जो भी दिया है वो भी सही जगह पे लैंडिंग होगा। और हम आशा करते हैं कि ये सरकार का जो भी इनिशिएटिव से वो इट वुड मेटेरियलाइज एंड वुड रियली ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंजेस दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन